नमस्ते बुरहानपुर, एलएन का ऑफलाइन सेंटर अब ट्रायम्फलाज एकेडमी बुरहानपुर में भी, जहां क्लास 6 से ही हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है एवं उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ओलंपियाड्स, जेईई एवं नीट के लिए तैयार किया जाता है। एहतियात के तौर पर यहाँ पे भारी पुलिस बल मौजूद है। आप देखिए पूरे चारों थानों का यहाँ पुलिस बल मौजूद है। यहाँ पे एंटी रॉयल व्हीकल एक्ट व्हीकल भी यहाँ मौके में मौजूद है। किसी को भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मीडिया भी यहाँ से दूर है, मीडिया भी दूसरे मकान की छतों से इसको कवर कर रही है क्योंकि यहाँ पे एहतियात बरती जा रही है। आरोपी आरोप संगीन है, हत्या हुई है, दुष्कर्म हुआ है, जिसके बाद अब यहाँ पे उसके मकान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। आपको बता दें यहाँ पे मकान दादा दादी जो चाचा चाची हैं वो भी बुरहानपुर छोड़कर जा चुके हैं। बुरहानपुर में उनके परिवार से कोई नहीं है और ये बंद मकान था, इसमें नोटिस जारी किया था 21 को और आज 23 को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। लगातार आप हमारे साथ हमारी खबरों बने रहिए, वीडियो बने रहिए। आप देखिए किस तरीके से ये घटनाक्रम होता है, किस तरीके से अब ये मकान तोड़ा जा रहा है जो शहर में चर्चा का विषय है क्योंकि ये सबसे दरिंदगी वाला मामला था। यहाँ पे हैवानियत आई थी, यहाँ पे किस तरीके से एक मासूम बच्ची के साथ जो घटना की है वो निंदनीय है, समाज उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहरहाल खुद सुनिए आप क्या कहा सीएसपी गौरव पाटिल ने, क्या कहा निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने। हमारे साथ हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक बने रहिए, हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट हमारी खबर फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर को फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। बुरहानपुर की पलपल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा